नमस्कार दोस्तों, बिगुल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त उमा रमन पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारी खबर है किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर। कल यानी 29 नवंबर 2018 को एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मसौदा तैयार किया, जिसे उन्होंने किसान चार्टर का नाम दिया। वो उस किसान चार्टर को आज यानी 30 तारीख को संसद जाकर प्रधानमंत्री और सरकार को देना चाहते थे और वो संसद मार्ग थाने तक पहुंच भी गए। वहीं पर सरकार के प्रतिनिधियों ने और सरकार की तरफ से पुलिस के कर्मचारियों ने उनको रोका और वहां पर बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता जुटे और किसानों की इस मोर्चे को, किसानों की इस बैठक को उन्होंने संबोधित किया। अभी कुछ महीने पहले किसान दिल्ली में जुटे थे और उनका प्रदर्शन भी हुआ था। उनके प्रदर्शन और पुलिस के साथ उनके टकराव की तस्वीरें अलग अलग अखबारों में अलग अलग ढंग से दिखाई गई थी। किसान बार बार दिल्ली क्यों आते हैं, उनकी समस्या क्या है, यही सब यहाँ पर हम जानेंगे। पिछली बार जब किसान आए थे तो उनकी कई सारे मांगे थी, जिसमें से प्रमुख मांग थी कर्ज माफी, किसानों को MSP से 1.5 गुना कीमत दी जाए, बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाए, साथ ही साथ बहुप्रतीक्षित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। इस बार भी जब किसान आए तो कुछ इसी तरह की मांगों के साथ वो फिर से हाजिर हुए थे। ये जो किसानों का मार्च था, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति और स्वराज इंडिया ने संयुक्त रूप से किसान मुक्ति मोर्चे के रूप में बुलाया था। स्वराज इंडिया और ऑल इंडिया संघर्ष समिति के बैनर तले बुलाए गए इस किसान सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, मद्रास मीन्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई बड़े सूबों से 1.5 से 2 लाख किसान पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ष 1991 में देश में उदारीकरण लागू किया गया। इसके पहले देश में किसानी एक बड़ा पेशा हुआ करता था और देश की बहुतायत आबादी किसानी से जुड़ी हुई थी। देश की औद्योगिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानी से जुड़े थे और देश की आर्थिक स्थिति भी खेती बाड़ी पर डिपेंड करती थी। इसी वजह से उन समय की सरकारों ने जितने भी विकास मॉडल लाए उसमें कहीं ना कहीं किसानों को विशेष महत्व देते हुए खेती बाड़ी को विशेष महत्व दिया गया। लेकिन उदारीकरण आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था का झुकाव कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ झुक गया। 14% लोग इस समय सर्विस सेक्टर में हैं, जो कि देश की इकोनॉमी में किसानों से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। 56% लोग आज भी कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, फिर भी वो देश की GDP में उनकी भागीदारी 14% सर्विस सेक्टर से भी कम है और बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से शायद सरकारों का नज़रिया किसानों के प्रति बेरुखा होता गया और उनका झुकाव कॉर्पोरेट और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ता गया और किसान कहीं ना कहीं दरकिनार होते गए। इस वजह से किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती गई और सरकार ने कॉर्पोरेट और सर्विस सेक्टर की तरफ अपना फोकस कर दिया। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इस नज़रिए में परिवर्तन करें और किसानों के बारे में सोचें, क्योंकि बिना किसान और बिना जवान के किसी देश का वजूद शायद संभव नहीं है। इसलिए इस सब बात को देखते हुए मोदी सरकार को शायद किसानों को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाना चाहिए, यही उम्मीद है हमारी। धन्यवाद।